वेलकम ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 चैप्टर 3.1 अपन चैप्टर 3 में स्टार्टिंग में जो बेसिक डिफिनीशन है उसको डिस्कस किया। अब 3.1 में क्या दिए, आपके फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन फिगरों के बारे में क्लासीफाई करना है। तो आपका देखिए फिगर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए, 8 फिगर हैं। इसमें बताना है आपको सिंपल कर्व कौन होता है, सिंपल क्लोज कर्व बताना है, पोलियोगोन बताना है, कॉन्वेक्स पोलियोगोन बताना है और कॉनकेव बताना है। इसको आप लोग क्या करना है, क्लासीफाई करना है, मीन्स इसको डिवाइड वो अलग अलग करना है कौन कौन सा फिगर है, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव फिगर कौन होता है, ये देखिए इधर बना हुआ आपके, ये आपके इस टाइप के जो फिगर होंगे कैसे फिगर होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, इस टाइप के जो बने हुए कॉन्वेक्स फिगर होंगे, और ये जो फिगर बने हुए तो कॉनकेव होंगे, इस टाइप के जितने भी फिगर होंगे टोटल फिगर कैसे, उनको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। तो इन्हीं में आपको देखना है, ठीक है। और आपको बता दूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। इंटीरियर मीन्स होता है अंदर जो एंगल बनेगा, अंदर बनेगा इंटीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर एंगल बनेगा उसको एक्सटीरियर बोलते हैं, ओके। तो यही आपके 3.1 में दिया है। 3.1 में देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको अपन लोगों को अलग अलग करना है। तो देखिए आप लोग अलग अलग कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल कर्व लिख देना कौन कौन सा आपका फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है आपका, सिक्स है और सेवन्थ है। और देखिए सिंपल क्लोज कौन सा है आपका, 1, 2, 5, 6, 7 ये आपके कैसे हैं, सिंपल क्लोज कर्व हैं। और आपका देखिए पोलियोगोन फर्स्ट और सेकंड है, और आपका कॉन्वेक्स पोलियोगोन कौन सा, सेकंड है, और कॉनकेव कौन सा है, फर्स्ट है। तो इस तरह आप लोगों को कर देना है, लिख देना इसी तरह आपको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, क्या दिया, हाउ मैनी देखिए डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी डायगोनल होते हैं, मैं आप लोगों को कल समझाया डायगोनल। जैसे देखिए, जैसे हमारा देखिए क्या बना है, ये आपका क्या बना हुआ है, आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, ओके। ये आपका क्या होता है, इसमें देखिए डायगोनल, एक ये डायगोनल हो जाएगा और एक ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल होता है। इसमें देखिए हमने देखा कितने ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये आपका कितने डायगोनल है, इसमें 2 डायगोनल्स। तो इसमें कहता है आपका देखिए लिखना है, इसमें लिखना बारे वो नहीं कितने डायगोनल्स होते हैं, ट्रेंगल में देखिए एक भी नहीं होगे, और इसमें आपको कितने होंगे वो आपको लिख देना है, ठीक है। इधर आप लोग बेसिक डिफिनीशन बताया गया है, क्वाड्रिलेटरल्स में कितने होते हैं और आपका हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, आप लोग लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सम ऑफ द, आपको लिखना है इसमें प्रॉपर्टीज लिखना है और आप लोगों को करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। आपको कहता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स एंगलों का सम कितने डिग्री होता है, आपका 360 डिग्री होता है, आप लोग लिख देना 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये लिखना आप लोगों को। और आपका क्या दिया हुआ है, फिर आपका दिया है यस, इसमें क्या करती है प्रॉपर्टीज क्या करती है, होल्ड करती है क्वाड्रिलेटरल्स की कि नहीं करती है। तो आपका इसमें करना है यस, दिस इज प्रॉपर्टी होल्ड इवन में इट इज़ द क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ द नॉट कॉन्वेक्स, आप लोगों को लिख देना है इसमें, ठीक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, देखिए कहता है ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में आपके क्या बने हैं, फिगर दिए हैं, ठीक। जैसे ट्रेंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है, इसमें 4 साइड होंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 × 180 हो जाएगा, 5 साइड होंगे 3 × 180 × मीन्स आपका 4 - 2 × 180 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। इसी बेस पर आपके क्या दिए, इधर क्वेश्चन दिए हैं जिनके 7 साइड है, 8 साइड है, 10 साइड है और 9 साइड है, उसका क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को सॉल्व करना है, देखिए क्या करना है, सॉल्व इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को जैसे फर्स्ट में 7 दिया है, एन इक्वल क्या दिया, 7 दिया है, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को बताया गया सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द पोलियोगोन ऑफ एन साइड का होता है तो n - 2 × 180 डिग्री होता है, एन के प्लेस पर क्या रखना है, 7 रख देना है, तो 7 - 2 × 180 डिग्री हो जाएगा, तो 5 × 180 इक्वल 900 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी में n = 8 अगर साइड है तो क्या होता है, n - 2 × 180 डिग्री होता है, 8 - 2 × 180 डिग्री, तो आपका ये आ जाएगा, तो आप लोग कर लेंगे।
तो इसी तरह आपके कर देना, आपको टेन साइड अगर एन साइड हो तो एन साइड में डायरेक्ट फार्मूला लिख देना आप लोगों को, तो इस तरह सॉल्व कर लेना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है तो आपका 5 में कर देना है, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन आपका बना देना है, फिगर बनाना है कौन कौन से होते हैं आपको बताया गया कल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपका फाइंड द एंगल, एक्स की वैल्यू निकालना है, इसमें जो दिया है एक्स है कहीं पास जो है तो एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसका देखिए पहला ये बना हुआ है तो आपका देखिए इस तरह का डायग्राम बनाना है, इसमें एंगल का वैल्यू निकालना है। देखिए आपका क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटर्स है, तो क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो इसके एंगलों का सम डिग्री, देखिए 1, 2, 3, 4 एंगल्स दिए हैं, इनके एंगलों का सम 360 डिग्री हो जाएगा, तो मीन्स एक्स प्लस 120 प्लस 130 एंगल्स दिए हैं प्लस 50, तो एक्स की वैल्यू निकालना है, इनका सभी का सम कर देंगे और 360 एक्स प्लस 300 इक्वल 360 हो जाएगा, एक्स इक्वल 360 माइनस 300 एक्स इक्वल 60 आ जाएगा आपका, तो एक्स की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस तरह निकाल लेंगे। अब इसी इसमें आपका कोई ये जैसे सी नंबर दिया थोड़ा सा कठिन है। ठीक, इसमें देखिए कितनी साइड है, पहले साइड इसकी काउंट करना, इसको भी इसी तरह करना है, 1, 2, 3, 4, 5 साइड है, कितनी साइड इसकी, 5 साइड है, तो आप लोग कौन सा फार्मूला लगाना, जो आप अभी लगा रहे थे n माइनस 2 इंटू एन इक्वल 5 साइड है, n माइनस 2 इंटू क्या होता है 180 होता है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 कर देना आपका। तो देखिए n माइनस क्या फार्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 है, तो 5 माइनस 2 आपका कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो 180 इंटू 3 आपका ये आंसर आ जाएगा। मीन्स इसमें देखिए जो वैल्यू निकालना था तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह आप लोगों को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बना हुआ है, एक ट्रेंगल बना है। ठीक है, ट्रेंगल्स के इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, यहाँ कहता है फाइंड द एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनकी वैल्यू निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की निकालना है। तो आपको देखिए 30 डिग्री और 90 डिग्री दिया है, तो इसमें आपका देखिए पहले हम लोग लाइन पेयर एंगल जानते हैं, जैसे ये वह है 90 डिग्री है, एक ही लाइन पेयर पर एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता था, 90 डिग्री अगर ये है तो एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, तो एक्स का 90 आएगा। इसी तरह इसमें जेड में निकालेंगे लाइन पेयर एंगल तो कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू आपके 150 आ जाएगी जेड की वैल्यू। इसमें वाई के निकालना है तो इनके देखिए एक्सटीरियर एंगलों का सम निकाल देना है तो आपका इसका आ जाएगा। देखिए इसको इस टाइप से सॉल्व करना है, x प्लस 90 इक्वल 180 होता है, लाइन पे लीनियर पेयर एंगल होते हैं, यानी एक ही लाइन पर बनने वाले एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो आपका x की जगह 90 आ जाएगा, और इसी तरह z की निकाल देना तो 150 आ जाएगा। y का भी निकालना है, y के देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है, y का जब देखिए इसका एंगल और इनके एंगलों का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो आपका क्या करना है, y इक्वल क्या करना है 90, ये देखिए x और z की वैल्यू आ गई, तो आपका 90 प्लस 30 120 आ जाएगी y की वैल्यू, इन दोनों का प्लस कर देना है और x प्लस y प्लस z इक्वल आपका वैल्यू निकाल देना, जो आपका कहता है ए नंबर में दिया है x प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालना, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा 120 प्लस 150 इक्वल आपका 360 आ गया, मीन्स इनका सम कितना चाहिए 360 आना ही चाहिए आपका। इसी तरह बी नंबर करना है तो आप लोग बी नंबर में इसको निकाल लेना है, इसमें देखिए कितने दिए हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दिया, तो इसकी वैल्यू निकाल देना आपका, तो इसके सभी एंगलों का सम निकालना है। ओके, तो आप लोग बी नंबर सॉल्व कर लेंगे।